फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, काफी हो गए साढ़े टाइम में हम थे, गुड मॉर्निंग। ओके, मोस्टली अपने वाले केली क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि इफ आई मे नो केली क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में हम नाइंथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एंड What do you want?
want to do in life. जिन्हें होता है किसी डॉक्टर बनना है, किसी एक्टर बनना है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, की बनना है? हाँ जी, ऑप्शन है? हाँ जी, क्या बात है? लास्ट बेंचर का मैं हमेशा मोस्ट कॉन्फिडेंट थी। हाँ जी, ऑप्शन है? सर, परम, परम बॉस, परम, की करना था ना परम? सर, बिजनेस मैन है, सुबह उठ के बिजनेस के सीधा बिजनेस मैन आगे के सर मतलब नहीं है सर रहता है भी तो नवा स्टार्ट मतलब फैमिली ने इसको रोल करने बिजनेस पापा करने दैट्स व्हाट यू नो मैंने थॉट ऑफ क्लैरिटी कि पता है कि आगे विच है बिजनेस करना वेल बहुत अच्छे अप्रोच पे मुझे पता है यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड बढ़िया कर सकते एनीबॉडी एल्स की करना चाहते हैं थोड़ा हां जी कोई हां जी हां जी सीरियस रीजन मेरी जो है कोई चीज क्वालिटी नहीं थी बट हाँ मैंने इसका मैं कुछ
ऊटपटान चीजें करना पसंद रहा था। यस बाय द टाइम आई रीच कॉलेज पटियाला में मैंने मोदी कॉलेज मुल्तान में मोदी कॉलेज को बीकॉम कर लिया। दैट वाज मोर ऑफ लाइक अ हां थोड़ा भक्ति ही चली दिमाग में कि हां हूं कुछ करने लायक है कुछ हो रहा है बिकॉज वो ये कि थे जबरदस्ती कुछ ना थी लेक्चर्स लाने में साथ थी पढ़ाई थी बहुत सो लेक्चर्स तो बचन ना सकती करना ना सी बाहर भी नहीं हो सकती थी थोड़े प्रॉब्लम होती थी टीचर्स यू हैव टू डू समथिंग एल्स। मैंने फिर इस चीज में ट्रेन किया स्टेज में मरा पुटक चला गया मंगल लेंगे को हमने की थी सो आई वेंट ऑन डूइंग एंड अप डूइंग थिएटर यूथ फेस्टिवल्स और वो मैं सब किसी करके कर रहा था सिर्फ मैं दो महीने का टूट टांगे नहीं बता रहा फिर रिहर्सल बहुत लगती थी ना उससे उसी कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग एंड आई टेल यू हाँ वो थे जाके मैं कुछ इस तरह लग गया कि दिस इज समथिंग आई कैन डू ये चीज है जो मैंने इंटरव्यू कर लिया। आई लव बीइंग ऑन द स्टेज मैंने जब उसी रिहर्सल सभी कॉलेज सेंटर हॉल चल रहे थे ना लोग आके देख रहे की कर रहे हैं देन यू started to get the feel ki haan yaar ye kuch hai you need lot of eyeballs for the main attraction to bol gaya jo log dekh rahe hain whatever kuch nahi this is something to do very you know this is something that I like started on instagram karna sikha na insta wagera pe to series bana ke famous ho sakte so ek chota badhiya hai chote chote college ha dekho har ek cheez mein tum jaoge aaj main kya kehta hu plus two you will see to atte batch to har institute छोटा है He's also a banker. Odi wife is a banker. So, there is a bank bank here, there is a bank. Just an after started dining table to go conversation scheme with him. Like India na budget aaya, tax rate and all, kya ye ho gaya. Mere ko kuch nahi toh gaya, toh sitara maas gaya, naman naman sa na toba toba. Like, I'm like that black sheep in the family. Wo situation mere na rahi hai. Not today only, but it's been always. बहुत सारे कारण तो मैंने बट इफ समबडी हैज एनीथिंग इन माइंड मैं ए करना है
यह चीज अच्छी कर रहे दैट मींस दैट आर्ट हैज चोजन दैट पर्सन. हैरी पॉटर की देखी है? हैरी पॉटर वेरी नाइस. अच्छा चलो वो ग्रुप्स चूज कर देना हैट रखती है ना शहर पे और हैट डिसाइड कर देती किसी ने कितने जगह की. इट्स वेरी सिमिलर इन लाइफ. यू डोंट चूज द आर्ट, आर्ट चूज यू. व्हाट एवर ऑप्शन है वो नरेशन उस चीज में हम थोड़ी की चीज मतलब इट्स लाइक अ प्लांट. मैं जो इट्स लाइक अ प्लांट हाउ यू वाटर इट उसका क्या आंसर रहता है आपका इस टाइम पे. या सो मोर ऑर लेस I had that wife की हाँ मैंने उसने ये तो चंगा रखा था. By the time उनका अर्धन तक इस पॉइंट करे तब तक थ्री इडियट्स नहीं ना इसी की का करने कैसे करके मैंने कोई आमने काम में जाओ. And of course उस टाइम पे ठीक है कॉलेज में बहुत सारे लोगों को थोड़े तो बदले अपने बंदे ने मैन्युअल दे दी इसकी यूज़ ही थोड़े तो गलत डायरेक्टेड लोगों को होंगे तो सीधी कर रहे हो कर ही जा रहे हो. But this is a lesson I learned from my life. I tell you why. In your life, to see, हो सकता है कि 10th, या plus one plus two, I don't know. एक certain talent तुम रख सके, तो ये any talented हो. कोई पढ़ने तो ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई उसको भी ज़्यादा हो सकता, but that doesn't matter. What matters? कौन उस चीज का स्टिक रहेगा. मतलब तुसी अपने क्राफ्ट में कितना काम करता है, अपने आर्ट फॉर्म पे, अपनी उस चीज के ऊपर कोई भी है कितना काम करता है. राइट. व्हेन वी टॉक स्पोर्ट्स के बीच क्रिकेट की गल में सब तो पहला दिमाग के बीच की नाम आता है विराट कोहली. क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं मैं तो बहुत टाइम से पहला क्रिकेट देख रहा हूं इस तो वधिया प्लेयर मैंने देखा नहीं लगे. आई फील सचिन तेंदुलकर इज मच सुपीरियर क्योंकि आई थिंक क्रिकेट में बहुत तरह की चीजें हैं जो बैटर्स फ्रेंडली है उस टाइम पता नहीं चलता. बट व्हाई विराट कोहली व्हाई नॉट केएल राहुल व्हाई नॉट रोहित शर्मा रोहित शर्मा है या फिर कोई दो अदर रीजन है बिकॉज ऑलवेज स्टिक विद योर क्राफ्ट. टैलेंटेड ज्यादा उसको लोग कहेंगे बट हाँ वो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कर रही है. सो आफ्टर दैट मैंने बीकॉम की थी 3 साल आई थी गुरुकुल स्कूल जो छठा कॉलेज है एमबीए की थी मैंने 2 साल उतने जाके चीजें थोड़ी मेरे लिए बहुत आसान हो गई बिकॉज स्टेज शो होने का बहुत मिलता था कोई फंक्शन होना बना लो साढ़े बहुत एनी पढ़ाई नहीं करने का स्टेज देखा उसे. सो वो भी चीज होगी like for me it was like जब सामने उड़ता बच्चे काफी बैठे हैं even there are 5 people I would still love to be on stage. मैंने हमेशा कहा था सीखा कि मैं स्टेज पे जाना मैं स्टेज पे जाना मैंने कुछ भी करा हो चाहे बेन कमेंट्री ही anything and still radio was never a part of it. हाँ it was my last year because you know when you reach that stage from the cheese that well I do the boss and go and thought about the this is the talent to see you got the us che mukam pe pahunche only want the karan kar rahe hain like my team you are a very good singer she is better than you but at time to work she has shown something else to see you mere naam pe is ye oh kehte si ki tusi college ho aisa baithi rehne do to baad tusi itne sare life vich busy ho jaoge. बड़ा सही डायलॉग है मैं तेरे साथ ही खेलता हूँ जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था. मतलब इट्स एक्चुअली अ रियलिटी. रणदेव सिंह जी की किसी ने आमिर खान की फिल्म रणदेव सिंह जी नहीं पूरे टाइम में पूछ रही नहीं तो सिंह जी मैं नहीं. सो आमिर खान का उसके डायलॉग है जब यूनिवर्सिटी में छोड़ रहा था यूनिवर्सिटी के गेट के एक तरफ जिंदगी को हम न चाहते दूसरी तरफ जिंदगी हमें न चाहते. एंड इट्स अ फैक्ट व्हाई because when you are in your 20s ya week ke saath mein life mein you feel like jo marzi samne aaye pahad bhi kha sakte hain we can do anything we are good at everything but yes tab tak sir hum student teachers hota hai karte hain fir uski teacher ban gaye life and wo pe exam nahi karte wo pehla prepare nahi karte roz hi exam karte hain you are being tested
area in your life. Hot is one problem. But it's so dynamic, it's like an evolution phase. जे इंसान आपकी मन सीख रही है उसके बाद आज होमो सेपियंस जैसी उस जो निकल के वी आर डेवलप्ड एज ए ह्यूमन वो सारी चीजें सब मिला. सो फॉर मी इट वाज मोर लाइक ए चीज आप में आई ऑलवेज हैव टू यू से कट शॉर्ट थोड़ा लाइक सडन में आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर सी देयर वाज लाइक फेस्ट ऑफ मैंने हमेशा से किया करो मैंने इतने को मिडिल क्लास फैमिली से किया. मेरे घर से कदे चल ना करते कि मैंने कहा कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल करना है योगा नया कुछ तरह की बट मैं बहुत क्रिएटिव सिनेमा के साथ जुड़े रहना चाहता था चीजों में पसंद थी जो मैं डेली करना. सो साढ़े को ऐसे करते थे एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन चंडीगढ़ के आरजे सिकोड़ी के साथ नाम है आरजे मीनाक्षी. शी इज द वन लाइक शी इज स्टिल बड़े लोगों के नाम बोल रहा हूँ हैं किसे हो रहे हैं. सो शी के ना इस जगह तो पता नहीं थी मैंने किसी ने कहा तो बोलता बोलता तो चला जाते मैं गया दो तीन राउंड कटे फाइनल राउंड तो उसने आना सीखा एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि आज इतने कॉम्पिटिशन ही रहा जब मैं कल लक्ष्य से ना सोच बैठे कट कट ही बाबा ने सही बात नीचे कह गई देयर इज नो चांस कि बैडमिंटन से फाइनल से ना आएंगे बट लाइफ हैपेंस जिंदगी आ जाती है. I don't know उस दिन मैंने की बात जब सामने बैठे I was blank मेरे मुंह जो शॉट नहीं मैंने मैं क्या बोलना था and of course competition नहीं था but वो चीज मेरे को ना छोड़ी मैं कहा यार रेडियो रेडियो कुछ समथिंग से because the winner को इतने बार से रेडियो के शो करने का मौका मिला था आप उसने एक चीज में इंटरेस्टिंग कर दी अपने पटाखे चले देखा था रेडियो स्टेशन उस वक्त आया था हड़े भी है बट दे डोंट अबाउट ट्रेड नाउ विद ऑफिस. सो मैं थे वास्ते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वास्ते एमबीए की ट्रेनिंग लास्ट साइड लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुई है बट का अगर मैं ऐसे से ट्रेनिंग वास्ते ना गेम जैसे मैं दूसरी ट्रेनिंग वास्ते सो बड़े तरीके ना उन्होंने कन्विंस किया कि मैं करना चाहता हूं. सो उन्होंने कहा कि चलो तुम वाले आ जाओ अपना एज यू आर वेरी लॉन्ग वी कैन डू वन थिंग विल कीप यू एज एन इंटर्न फिर मैंने शुरू करके पसंद आ गया थोड़ा क्लैरिटी लाइफ थॉट आया कि यस दिस इज समथिंग आई वांट टू डू मतलब मेरा शेड्यूल था सवेरे 8 बजे तो लेके शाम के 5 6 बजे तक कॉलेज उस पर इमीडिएटली रन टुवर्ड्स रेडियो के रात को 2 बजे तक होते और हम शाम का थे देन केम बैक लेकिन ना और ये तकरीबन 6 घंटे में चल गया बाय द टाइम मैं भी कंप्लीट हो गई कर दे हूं कर देना सारा तो दस आदमी इस लोग में कार्य किए हैं मतलब मैं वेरी स्कैम में पता करके पता मुझे डर लगा कि जेनन पता लग गया यहां पर करके याद अच्छा चल रहा है मैं डर बहुत गया. सो मैं कह नहीं नाले कुछ भी दसना बट एक दिन तक तक उसी चीज ना वो हो गई एट वन मोमेंट टू हैव टू टेल यू इट. सो वो मेरे पास से मेरी कंप्लीट हो गई डिग्री भी और की कर कॉन्फिडेंस है मेरे को कोई कर नहीं का थोड़ा मोटिवेट करे बिकॉज़ जो मैं बता सकता हूं कि आई वाज वेरी इंपोर्टेंट मेरे को बहुत ज्यादा फ्रेंड्स कदे नहीं बने रादर एट मेनी फेजेस ऑफ माय लाइफ आई वाज बीइंग बुलेट फॉर दैट. मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने कमजोर थी लाइक आई सेड पेपर वर्क कॉलेज के लिए मिला द ओनली टाइम इन माय कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट करो फील लगा थी व्हेन आई वाज ऑल वेज ऑन स्टेज मतलब वो भी इस तरीके ना कि पता नहीं इट फील्स लाइक हां यार ये मेरी नहीं है अदरवाइज जे मैं ऐसा चला जाऊं किसी ने कुछ कह देना यू हैव बीन बुलेट फॉर योर ग्रेड होती है छोटी-छोटी चीजों सब दे नाल वो थोड़े समझ लो मैं कहता कि आई डोंट सपोर्ट की करना चाहिए बट इफ यू कैन से मैन वर्सेस वाइल्ड की ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर दी है क्योंकि थोनो यू हैव टू सर्वाइव ऑल दैट थोड़ा सा चीजें लाइफ में कई बार थोनो काम करना नहीं है और सारे टाइम जो वर्ल्ड भी ना ऐसे में ना मतलब प्रेशर भी हो करके सब पता ही चल रही चीजें इस तरह से बिकॉज़ क्या हो मैं गूगल लाइक हां ठीक है चलता दिशा नहीं मार्क कर पास चला गया एनीहाउ सो आई वेंट देयर किताब By the time 3 years हो गया, that was a life-changing moment. वो तो मैंने थोड़ा confidence आ गया कि क्या करना है। भी हूँ मैं दस साल का था, पता नहीं आया कौन motivated from that movie। मैं पापा दस साल। पर उधर पापा था, मैं कैसे मेरी नहीं बनी थी। It doesn't happen like that. So now degree is over, training is over, वो भी 6 महीने तो ज़्यादा नहीं करवा सकते थे। Now it's the time. करें साठ डेढ़ साल आई वाज डूइंग नथिंग
of Punjab, be it Big FM, Mirchi, be it kai station. I don't say you are in Galangeta because I was very wrong. कि कोई भी ना सिलेक्ट करा इफ आई हड़े में आते जब मुझे सुना ना कि वो रिलेटेड को कुछ और भी सिलेक्ट पाए नहीं आई फील लाइक कि यार ये बंदे में दफ्तर के बाहर हो जा रहा है बिकॉज बस अपने आप से इरिटेटिंग बहुत ज्यादा सही है और मैंने दिक्कतें होती थी कि यार मैं नर्वस हो गया आई यूज टू स्टैंड अप नर्वसनेस के बीच आई डोंट कदर इट इज ऑब्वियसली रेडियो पे नहीं पहुंच सकता तो अब मैं फिर थोड़ा चैलेंज करता हूं लोगों के अंदर गरीब रोज होता से उठना सीखा क्या कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं बिकॉज़
करेंगे महाराष्ट्र। पापा बैंक गए, माय ब्रदर कॉलेज चला गया, स्कूल चला गया, मेरे मम्मी स्कूल छोड़ा मेरे ने नाउ शी इज रिटायर्ड। मैं क्यों उठ सवेरे क्यों वाए जेडे ठंडे नोट है कर लगे खान दोबारा आकर नथिंग टू डू कोई काम नहीं सी मेरे को करा मेरे को नोटा कुछ नहीं होता की करा मैं उस टाइम पे मैंने फिर कभी कहा जेडे कहकर मैं उसे काम दिए कुछ एक ही करना होगी वो ना अंडरस्टैंड। जब मेरे को छत्तर पे आए से आए से डर लगा ऑन इंडिया रेडियो पटियाला से अच्छी कैजुअल अनाउंसेस थी वैकेंसी थी मेरे रेडियो के आए थे उन्होंने मैं क्या क्योंकि मैं उस टाइम तक सोचा था कि आर्मी एग्जाम से कुछ होती क्योंकि हाइट से उतना ठीक ठाक से उस टाइम भी सक्सेसफुल कि चलो करके देखते हैं कुछ और समझ नहीं आ रहा था करेंगे। बट जब मैंने वो अनाउंसमेंट उस वक्त पता लग गया मैं आते गया मैं कहा मैं करना चाहता है ट्राई दे सैड एम ए अंदर सब एग्जाम होंगे वाणीला डेंगू में प्रमोटेड ऐसा कैजुअल अनाउंसर थोड़ा रेडियो के बोलने का नाम होगा मेरे को मोटा मोटा सा भाई मैं कहा ठीक है मैं कहता तो एग्जाम में ये तो भी लेना दैट वाज माय साइन ऑफ रिलीफ क्योंकि मेरा हूं इंस्टेंट ऑडिशन नहीं थी एक महीना बहुत थी मेरे वास्ते अपने आप को रिवाइव करने वास्ते व्हाट आई फेल्ट लाइक मेरे मम्मा ने भी याद है स्कूल जो मम्मा ने कैसे उन्होंने बुक ले आया मैंने ठीक है स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ भी थी बुक सी वो सी लाइक अब मैं जिस पे होना था मैं गाना कर रहा आई यूज टू रीड दैट बुक रोज डेली से तरीके से वो था कारण की थी कि मेरी जुबान को ट्विस्टनेस जो है आई यूज टू हैव मैं नहीं कभी चीज करूंगी नहीं करूंगी जो स्टैमर होता है वो खत्म हो जाएगा और आप दो दो मिनट तक करना सीख थे इट्स लाइक जब किसी सिंगर बनना चाहते हो रियाज कर लो मेरा रियाज हो सकता मेरे घर के मेरे पापा ने कहते थे कहते ना पेपर बैंक के एग्जाम से लगा के क्लियर हो गया बट की करें नहीं मान सी नहीं मानना रहा था वो दिन मेरे को हल्का कर को दैट्स एज फ्रेश एज माय लाइफ जैसे मेरे एग्जाम से होते क्योंकि वो थे ऐसे 2000 फीस पर नहीं थी और मैं कहा था कोई तुसी यू नो 60 साल करे बैठे हो तुम मोमेंट मनी मांगते भी बड़ा यार बड़ा जी लग रहा था 2000 बहुत बड़ी गल है कि तुमने की कर गया बड़ा है मेरे पास फोन थी मैं बेचता था सर उसकी फीस पर हम लोग नहीं मतलब इतना क्लियर होगा नहीं वो जो मैं फोन से चलाएंगे वो जो भी एडमिन मेरे से कुछ थोड़े अपने पर मांगा के फ्रेंड्स तो मैंने यार मैं बात कर दूंगा जिस मेरे इतना सर बट लेट मी डू जब मैं क्या है रिमेंबर कट्टो कट हजार डॉलर डिफरेंस 1000 प्लस और उन्होंने जो जेड कोई किसी से कोई लॉयर से ना कोई बहुत बड़े अखबार का कॉरेस्पॉन्डेंट से ना या कोई ऑलरेडी कर रहे थे जिन्होंने सो इट वाज लाइक मैं फेल नहीं हो गया मैं खराब आज फेल बेस्ट करा के अंदर आया मुझे क्या एनी लोग का सिलेक्शन देयर इज नो चांस बट आई डोंट आई रिमेंबर मेरे को भी स्लिप को हड़े भी आए मेरे मैंने रखी थी उठे हम रोल नंबर से मैंने स्लिप करी इट वाज लाइक 494 स्लिप से सो कैन बी ऑडिशन दे नाउ उन्होंने मुझको पहले वाला क्वेश्चन पूछी थी कि तुझे की कर रहा हूँ दस साल में ऑलरेडी कितना है जो थे उस टाइम पे हेड सी व्हाट ही सेड कहने मैंने पता नहीं क्यों लगा पापा ने तुझे बहुत देर रुको गए मैं कह सकता हूँ सही कर रहा हूँ बहुत देर रुकना भी नहीं चाहिए जिसे नाम चेंज करना लगे तो फिर क्यों मेरे तो बहुत स्टार्ट फिर हमने ऑडिशन दिया एंड उसके बाद काफ़ी देर ऑडिशन चल रहा है एम ए नंबर हो गई है वो नंबर भी पास कर हजार जो सिर्फ 100 बंदे रखे थे टोटल 99th डे उन्होंने मेरा जो रोल नंबर था 294 को हो गया एंड आई वाज लाइक मैं दोबारा कहता हूँ मेरे लिए सर सर होता नहीं करता कहते बहुत बच्चे करते हैं मैंने नहीं सर बहुत ओके हो गया और बहुत फिल्मी सीन थी के पास मैं उन्होंने ऑफिस तो बाहर आया बाहर बरसात थी एंड आई वॉज लिटरली ऑन माई नीज रो रहे थे आई नॉट गैदरिंग एग्जैक्टली रो रहे थे मेरे कान हंझू आ गए थे कि यू नो थोड़े आस पास एक सर्कल का बादल है हर बार की सेम चीज हो रही है बार बार यू आर गोइंग फेल हार के आ रहे हो तुझे जाना फेल हार के आ रहे हो बट इवेंचुअली वो चीज थोड़ी देर की मैं रोकती थी मैं कह गया मैंने जिस तरह कितने मिलने दैट टाइम
ਮੰਨ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆ ਗਏ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੂਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਮੰਥ 2000 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਲਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ MBA ਫੀਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 2000 ਸੋ ਆਪ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ 2000 ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਅਕਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਸਰਵੇ ਟਾਪ ਐਕਚੁਅਲੀ UNESCO ने UNICEF की थी अबाउट दिस प्रोग्राम पोलियो एडुकेशन और उस टाइम इंडिया पोलियो हुआ था कि उस दिन उसी उसको लाइक लोगों को अवेयर करने वास्ते रेडियो के प्रोग्राम्स चल रहे थे सो इट वाज ऑल अबाउट दैट तो मैं गया और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी बाय द टाइम मैंने 6 महीने में अपना ऑलरेडी काम कर चुका था बट आई नेवर मेक मतलब फेसबुक सी सारे बट मैं अपने नाम के नाम कभी आरजे नहीं लिखा था मैं कहा नहीं It's not like बहुत बड़ा तो मेरा अपना शो थी डेली का शो थी I still haven't earned that title by छह महीने उठे वर्क होते उठे कराच के फर्स्ट टाइम मैंने एक बंदा मिला जिसने कहा कि give me your number एक सी कोशिश कर रहा सीधा थोड़ा कम पड़े सोच रहा that moment कुछ टाइम बाद मुझे मेरे इंटरव्यू हुए और मैंने मेरी पहली जॉब मिली है जनाब के तौर पे करना सो मैम ने जो ऑलरेडी एडिटिंग वाला सर से कह रहे थे कि मैं सर मैं जा रहा था कह मैं पहले पता सुन मैं कह सर फोन में पता सी कह तेरे पता लगा फोन में होई का थोड़ी देर बाद सी कह तेरे पता तेरे तो ज्यादा टैलेंटेड लोग रहे थे मैं हां जी कह पे जो उन्होंने सब सी का बट आई चोज टू बिकॉज़ उन्होंने लाइफ के बीच ना हुई है कि तो वो चीज ना की बने हुए दे नॉट डूइंग दैट कि यही ऑप्शन है एंड वो एथी सेटल्ड है तेरे से मैंने हड़े हुए कर दिया कि यू वांट टू ग्रो फर्दर 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 सो छह महीने मैंने उसे काम किया अरे करनाल से गया रेडियो इस्तेमाल करके थी राइट नाउ पटियाले हल्के पर शायद किसी ने सुना होगा और एक जैसा कर दिया होगा और उस समय थे पटियाले वास्ते जो कितना से गया पटियाला एंड शिलगांव वो अपने आप बड़ी चैलेंजिंग स्टोरी थी बस लाइक बड़ा उस टाइम पे पूरा फिर समझ लो थोड़ा सा बहुत देसी थी बहुत चैलेंजिंग थी उधर बड़ा स्टिल मैंने पूरे दो तक साल दे वाज सिचुएशन मेनी वाले पड़ते पड़े यार मतलब कि मैं पहली बार परिवार के से थोड़ा कुछ जगह भी हासिल कर ली बट मैंने याद आ गई जब भी टफ टाइम रहा ना हड़े भी आज की इवन टेल टुडे कोई फील आंदी खराब हुई यार ऑफिस मन नहीं लग रहा ਨੋ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟਸੈਲਫ ਗਿਵਸ ਯੂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੈਡ ਨਾਉ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟਿਕ ਵਿਦ ਇਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਾ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਫੇਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟਿਲ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੋਸ ਵਾਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਸ ਲਿਵਸ ਔਨ ਆਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਤੇ ਜੌਬਸ ਦੀ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਦੇਅਰ ਸਿੰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਹ ਰਫਲੀ ਅਰਾਊਂਡ
2014-15 के आसपास ही करते हैं। मैं कहा सर तो टर्नशिप आज से लाइन आ सकता कहते इंटर्नशिप तो लेके मतलब जितने मेरे सीट से ऑफिस के अच्छी स्टूडियो से सीट पास करता मैं। हेलो हेलो एम आर डेवर जितने मैं ऑफिस से बैठा सी वो सीट मेरे ऑफिस स्टूडियो तक 10 कदम की थी। व्हाट ही सेड कहते 10 कदम पूरे कंप्लीट करने को तनु 5 टू 6 साल लगता। सो इट टुक अ व्हाइल रोगी जाती चंगा पल इस टाइम लाइफ का दो मोमेंट्स बड़े अच्छे आए। फर्स्ट एक और शख्स जो रेडियो पे बोलने में इस्तेमाल करता था पंजाबी से भी मतलब पंजाबी तो मेरी सही सी टच और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं इस स्कूल का बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे पंजाबी मतलब हमेशा इंपॉर्टेंस आती रही है। मैंने पंजाबी से इतने बहुत बढ़िया मौका मिलता था बोल सी गाना सारे पंजाबी से करते थे मेरी नॉलेज आने में मैं तो हमेशा जो मैं लोग एक दो चीजें सीखी है बहुत बेनिफिट मिला उस चीज का। एंड तो स्टार्ट की थी पंजाबी हाल ही के दिन मैंने जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले रेडियो का एक बहुत बड़ा अवार्ड है ACIF ऑल इंडिया रेडियो अवार्ड अक्रॉस नेशन इंडिया मेरी रीजनल लैंग्वेज के विच क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ मैंने बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। सो पहला सर्कल एक मैं वो कहना कि मेरा इतने कंप्लीट एज इन अ वे होया कि मैंने मेरी मदर ਤੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਦਬਾਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਰ ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਜੇ ਸੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਇਨ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲ ਡਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਦ ਮੋਸਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਸਰ ਨੈਵਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਆਲ ਪਲਾਨ ਰੱਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ keep your trust in God and ye cheeza hai mere liye it's like I don't know ki kitna din par sakte hai but je sachi passion mein lage koi puchna na mainu ina usme na lage I was one of the most talented in my field main kadhe bhi chala nahi sakta ha but I was the most passionate bani main thi bahut zyada si te mainu give up karna nahi tha mera threshold bahut zyada si I was very इन्फ्लुएंसर बनने में कितना टाइम लगा कुछ भी करो
इट्स व्हाट ठीक है, मैं ऑप्शन है ठीक करना चाह रहा हूँ, साल उम्र के समय बेस्ट अटेंशन की लोड है, वी वॉन्ट, बट यू नो एक निगाह तो होनी चाहिए है ना, भी एक चीज तो कदे भी हर चीज तुसी बढ़िया होनो जरूरी नहीं है ना, पढ़ाई खराब हो कोई दिक्कत नहीं आती, स्पोर्ट्स में खराब हो कोई दिक्कत नहीं आती, आई वुड से पैशन मेरे तरह डेफिनेशन है, कोई एक चीज भी नहीं होवे ना तुसी कर सकदे, कोई एक नथिंग लाइक जिस तरीके में तुम बेस्ट शेफ बनना है, मैं कुलचा के भी रहनी है जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट होने बंदे में ये चीज है कि शेफ तो बहुत बढ़िया लगाता है, यू हैव टू बी दैट पैशन, यू हैव टू बी दैट फोकस्ड कि भाई ए मेरी बोल रहा है ऐसे तक जब तक मैं उस क्राफ्ट में वो करता नहीं
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ The day they praise you for that, feel like that, yaar, haan, aaj kuch hoya hai, ki, this is all. Because, ek moment ka tainu main dassa jiwan mera favorite hai, eh tha hun da recent hai, jis din main award aaya si, main ghar tainu main dassa siga. Of course, hun ta mere, jiwan hunde papa ghar ghar rehnde si, kyunki interview mein Punjab da koi touch hoda aise celebrity nahi hai, jiwan mein mauka nahi mila interact karne ke. Hun ta aap hai, lekin pee naal mohabbat rahe, ya, mere papa Dharmendra de bahut bade fan hai. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲਵਾਓ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਟ ਦ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ 2011 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਡਿਵਾਈਨ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੋਨੀ ਦਾ ਸਿਕਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਸ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਸੋ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
क्योंकि बहुत ठीक को चीज चाहिए थी। आई वॉज कीप ऑन डूइंग दैट मिस्टेक्स। अब तो बड़ी चीजें सी कि माइंड भी वो मैंने खिला दिया और यू नो इट्स नॉट इजी टू से सिंगल ऑफ एनी वन मिस्टेक। क्योंकि वीडियो गेम खेलते हो ना वैसे बंद के लिए अभी फिलहाल हाँ मतलब खेलते ना हो कोई खेल हाँ। गेमिंग वगैरह लाइक तुझे एक लेवल दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम तुझे मतलब खेलते पहला लेवल आता है जीटीए खेल जीटीए वन वन खेलता है तू खेल रहा जीटीए खेल रही है ना और तेरी सैन एंड्रियास वाला सारा आ गया। सो जब तुझे स्टार्ट कर दो डे वन मिशन जब थोड़ा कोई घर नहीं बनया थोड़े को गड्डी नहीं है कुछ नहीं है वो हर बार जब तुझे बार बार कर देता हो तमाम है इट्स एज इट्स एज लाइक लाइफ। जब तुझे कोई भी नया लाइफ की चीज कर रहा तुमको गलतियां हर तरह की होंगी टेक्निकल फॉल्ट भी होंगे रेडी ने बोलना कि नहीं है या कुछ करना है बट बाय द टाइम जब तुझे इसको बार बार कर दे रहे ना ऑटोमेटिकली तुझे इनहैंस कर देना हो। सो इन लाइफ ऑल्सो लाइक फॉर एवरी एवरी न्यू लेवल देयर इज अ न्यू ड्रैगन वो चीज है। अपना अनुभव